हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स इस की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मीथेन बनाने की प्रयोगशाला विधि। फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको उसकी मैं प्रयोगशाला विधि समीकरण और उसकी स्ट्रक्चर को बताऊंगा। तो फ्रेंड्स हमारी मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। तो फ्रेंड्स की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, सी के में इधर उधर चार हाइड्रोजन। ठीक, चलो ये तो हो गई इसकी स्ट्रक्चर किसकी, मीथेन की। अब आते हैं उसकी प्रयोगशाला विधि की। प्रयोगशाला में मीथेन गैस हमारी कैसे बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स अब आपको लिखना है इसमें लैब मेथड, मीन्स जो आपको थ्योरी लिखकर आनी है, आपको थ्योरी लिखकर क्या आनी है, इतना तो आप लिखा होगा कि प्रयोगशाला में जब हम सोडियम एसीटेट फ्रेंड्स मैंने इंग्लिश में लिखा है, आप चाहो हिंदी में लिख लो, जो भी वर्ड है हिंदी में लिख लेना, जो CBSE ICSE वो इंग्लिश में। प्रयोगशाला में मीन्स हम जब लैब में सोडियम एसीटेट और कास्टिक सोडा जब हम प्रयोगशाला में सोडियम एसीटेट और कास्टिक सोडा को CO के उपस्थिति में गर्म करते हैं ना, तो हमारी मीथेन गैस बनती है। ठीक, थ्योरी में आपको क्या लिख कराना है वो मैंने मुंह से आपको बोल दिया है, ओरली बोल दिया है कि जब हम प्रयोगशाला में सोडियम एसीटेट क्या होता है वो मैं आपको रिएक्शन के टाइम पे बताऊंगा। ठीक, जब हम प्रयोगशाला में सोडियम एसीटेट और कास्टिक सोडा को COA की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है, तो हमारा मीथेन गैस बनता है, और उसके साथ साथ मीथेन गैस के साथ हमारा सोडियम कार्बोनेट भी बनता है। चलो अब आते हैं रिएक्शन पे। फ्रेंड्स रिएक्शन समझाने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर फ्रेंड्स आपको एथेन और एथिलीन की विधि जाननी है तो फ्रेंड्स मैंने डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियोस के लिंक दे रखी है, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं, एथेन और एथिलीन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब वापस आ जाते हैं मीथेन पर। ठीक हाँ, तो अब आते हैं रिएक्शन पर। थ्योरी आपको क्या लिख करानी है प्रयोगशाला वो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि थ्योरी तो आपको खुद लिख करानी है। मेन क्या है, मेन तो उसकी रिएक्शन है, रिएक्शन में आपको मैं समझा दूंगा तो आप थ्योरी खुद लिख लोगे। ठीक है, चलो अब जाते हैं रिएक्शन पे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले थ्योरी में क्या कहा मैंने आपसे कि जब हम सोडियम एसीटेट, तो फ्रेंड्स सोडियम एसीटेट ले लेते हैं CH3COONa, जब हम सोडियम एसीटेट प्लस कास्टिक सोडा NaOH को COA की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जब हम प्रयोगशाला में सोडियम एसीटेट यानी CH3COONa को कास्टिक सोडा यानी NaOH को COA की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो फ्रेंड्स की जब रिएक्शन होती है तो हमारा फ्रेंड्स CH4 मतलब मीथेन प्राप्त होता है, और फ्रेंड्स उसके साथ हमारा क्या बनता है Na2CO3। Na2CO3 क्या है हमारा, ये है हमारा सोडियम कार्बोनेट, और CH4 आपको पता ही है हमारी मीथेन गैस है। फ्रेंड्स इसके पास हम एरो लगा देते हैं, एरो इसलिए लगाते हैं क्योंकि गैस है ये उड़ जाएगी, इसलिए एरो लगा देते हैं। ठीक, तो रिएक्शन क्या हुई हमारी, CH3COONa प्लस NaOH एरो COA यहाँ पे गर्म लिख देते हैं। ठीक, और इसके जब रिएक्शन होती है तो हमारा क्या बनता है CH4, और उसके साथ क्या बनता है हमारा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है फ्रेंड्स, मीथेन की स्ट्रक्चर ये रही। प्रयोगशाला विधि में आपको क्या लिख कर आना है आपको बहुत अच्छे से पता है, बस जो रिएक्शन मैंने आपको समझाई वही आपको थ्योरी में लिख कर आनी है। ठीक, और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ ज़रूर उसको लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसे लगी, और फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है एथेन गैस जो होती है हमारी C2H6, ये तो होगी हमारी एथेन गैस, और फ्रेंड्स हमारी एथिलीन C2H4। अगर फ्रेंड्स आपको इन दोनों का वो समझना है प्रयोगशाला विधि की कैसे बनती है, तो फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ उनको जाकर देखो और लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू।